वेलकम बैक। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं फिर से आपके साथ अपनी कुछ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। हर हर महादेव। राधे राधे। जय माता दी। हे गाइज, आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है कुंदरू की भुजिया। ये भुजिया खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। रोटी के साथ, पूरी के साथ बहुत ही यम्मी लगती है। ये भुजिया बहुत ही लाजवाब बनती है। देखिए गाइज, ये भुजिया कितनी ही अच्छी बनी है। इसी प्रकार आपकी भी भुजिया बनेगी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं गाइज। जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल लिया है और एक खड़े लाल मिर्च लिए हैं और थोड़े से जीरे हैं, एक छोटी चम्मच। और इसको अब चटकने के बाद मैं इसमें कूटे हुए लहसुन डाल रहे हैं। ये लहसुन 6-7 कलियाँ थी जिसको मैंने अच्छे से कूट करके इसमें डाले हैं। इसको अब अच्छे से थोड़ा सा चटकने के बाद अब इसमें मैं कुंदरू को डाल रही हूँ। कटे हुए हैं ये कुंदरी, इसको मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए थे। इसी तरीके से समान साइज़ में लंबे लंबे मैंने इसको पीस में कटे हुए थे। और इसको मैं ऐड करके अब इसको अच्छे से चला लेना है। हल्का इसको ब्राउन होने तक, इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। और अब इसको भी अच्छे से चला लेना है गाइज। इसी तरीके से चलाइएगा ताकि जले नहीं। और उसके बाद अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। अब इसको भी अच्छे से चला लेना है गाइज। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए, आपकी भुजिया बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के अनियन थे जिसको मैंने चॉप करके रखे हुए थे, अब इसको भी ऐड कर लिया है। अब इसको भी अच्छे से चला लेना है गाइज। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा गाइज। आप ही लोग के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आई हूँ और आगे भी आप ही लोग के सपोर्ट से जाऊँगी। इसलिए बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद ढक्कन को लगा करके इसको मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने देना है गाइज। 1 मिनट हो चुके हुए हैं। ढक्कन को अब मैं हटा लूँगी और इसको भी अब अच्छे से चला लेना है गाइज। ये भुजिया बहुत ही ज़्यादा झटपट और यमी बनते हैं। इसमें टाइम नहीं लगती है। ये भुजिया बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसको पूरी के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही यमी लगेगी ये भुजिया गाइज। बच्चे के भी लंच में दीजिए। ये भुजिया बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ये ग्रीन सब्जी है इसलिए ये इसमें हर तरीके के विटामिन होते हैं। देखिए गाइज, ये भुजिया मेरे रेडी है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये बहुत ही यमी और टेस्टी भुजिया बने हैं गाइज। इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइए, आपके भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही यमी बनेंगे, गारंटी के साथ कहती हूँ। इस तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई करिए, आपके भुजिया में बहुत ही ज़्यादा स्वाद रहेंगे। देखिए गाइज, ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। अच्छे दिख नहीं रहे हैं, ये अच्छे वाकई में बनते भी है, टेस्टी बनते हैं। इस तरीके से आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिए। आप लोग इस तरीके से एक बार ट्राई करिए, बनाइए और किसी को भी खिलाइए, आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे कि कितने टेस्टी भुजिया है ये। बहुत ही यमी ये टेस्टी भुजिया लगेंगे। बच्चे भी इसको मांग करके ही खाएंगे कि मुझे और चाहिए। देखिए गाइस, ये भुजिया मेरी रेडी है, इसलिए गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर लिए हैं। अब देखिए, ये मेरी भुजिया रेडी है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी गाइज। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट और शेयर भी जरूर करिएगा। इस तरीके से आप लोग भी भुजिया बनाइए, आपकी भुजिया बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनेंगे। देखिए गाइज, ये मेरी भुजिया रेडी है।